नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और चाइना की तरफ से है और आप सभी को ये बात अच्छे तरीके से पता होगा कि अभी चाइना की तरफ से धीरे धीरे भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश किया जा रहा है, खास करके इंडियन ओशन रीजन में। चाइना अभी भारत के प्रेजेंस को कम करने की कोशिश कर रहा है और पहले श्रीलंका और फिर मालदीव्स में चाइना अभी काफ़ी हद तक भारत के प्रेजेंस को कम करने में कामयाब हो चुका है। इसके बाद चाइना अभी भारत के और करीब आने की कोशिश कर रहा है और अभी चाइना बे ऑफ बंगाल में भी भारत के प्रेजेंस को काउंटर करने की कोशिश करने लगा है, जबकि भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी टेंशन की बात बनने वाली है। तो अभी रिसेंट सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि बांग्लादेश की शेख हसीना नेवल बेस में अभी चाइना की तरफ से काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और ये चाइना का एक पॉलिसी है, जहाँ पर वो अपनी प्रेजेंस को बनाना चाहते हैं वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं। और अभी यहाँ पर एक ड्राई डॉक फैसिलिटी को पूरी तरीके से चाइनीज असिस्टेंस की मदद से एस्टेब्लिश किया जा चुका है और ये ड्राई डॉक फैसिलिटी पेकुआ में मौजूद है, जो कि लिटरली बे ऑफ बंगाल में अपनी प्रेजेंस को बनाने के लिए बहुत ही मेजर पोर्ट है। अब बांग्लादेश पहले से ही दो चाइनीज सबमरीन को ऑपरेट कर रही है और अभी आगे चल के बांग्लादेश और भी एडिशनल चाइनीज सबमरीन को एक्वायर करने के बारे में सोच रहा है, फिर चाइनीज मेड वेसल्स को भी एक्वायर करने के बारे में सोच रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आगे चल के बांग्लादेश और चाइना दोनों के बीच डिफेंस रिलेशन काफ़ी बेहतर होने वाले हैं और बांग्लादेश चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करने वाला है, जिससे चाइना को बांग्लादेश में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को इंक्रीज करना काफ़ी आसान भी होने वाला है। और अभी इस नए ड्राई डॉक फैसिलिटी को बनाने के बाद यहाँ पर सबमरीन की मेजर रिफिट को भी किया जा सकेगा। अभी अगर ये सिर्फ बांग्लादेश की डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट तक सीमित रहता है तब इससे भारत को कोई इतना खतरा नहीं होगा, लेकिन अगर इस बेस को बनाने के बाद और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद चाइना अपनी सबमरीन को बांग्लादेश के नेवल बेस में लाता है और यहाँ पर डॉक करता है, तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी बनने वाली है, क्योंकि इससे चाइना भारत के काफ़ी करीब अपने सबमरीन को डिप्लॉय कर सकता है और मेनली भारत के जितने भी मिसाइल टेस्ट होते हैं वो भी इसी रीजन में होते हैं, यानी कि बे ऑफ बंगाल रीजन में होते हैं, तो उनको भी चाइना आसानी से ट्रैक कर सकता है और इंडियन नेवी की गतिविधियों पर भी आसानी से नज़र रख सकता है और किसी भी नेवल कॉन्फ्लिक्ट में ये चाइना के लिए बहुत ही बड़ी एडवांटेजेस बन सकते हैं। हालांकि वर्तमान बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो कभी भी भारत के अगेंस्ट में जाकर चाइना को ऐसी कोई भी हरकत करने की परमिशन नहीं देंगे, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी अभी बांग्लादेश में मौजूद है वो एंटी इंडिया मूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अगर सत्ता में आ जाती है तो फ्यूचर में हो सकता है भारत के लिए परेशानी क्रिएट हो सकती है और ऐसा होने पर भारत लगभग चारों तरफ से चाइना की तरफ से घिरने वाला है। अगला अपडेट एरो इंजन की तरफ से है और अभी हम जन इलेक्ट्रिक की 404 और जन इलेक्ट्रिक की 414 सीरीज के इंजन के बारे में बात करने वाले हैं। इनमें से जन इलेक्ट्रिक की 404 सीरीज के इंजन को हमारी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि LCA तेजस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसके बाद जन इलेक्ट्रिक की 414 INS-6 सीरीज के इंजन को अभी आगे चल के तेजस MK-2 में और MK में इस्तेमाल किया जाएगा। अभी के लिए इंजन की जो ओवरऑल मेंटेनेंस वर्क होता है उसको AD की तरफ से देखा जा रहा है, खास करके मास प्रोडक्शन में एंटर होने से पहले जितने भी टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर एयरक्राफ्ट बनाया जाता है, प्रोटोटाइप बनाया जाता है, फिर LSP यूनिट के अंदर जितने भी एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं उन सभी के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजन की मेंटेनेंस को AD की तरफ से देखा जा रहा है। और अभी AD की तरफ से लगभग 10 जन इलेक्ट्रिक की 404 F2J3 इंजन, 17 जन इलेक्ट्रिक 404 IN20 इंजन और 9 जन इलेक्ट्रिक 414 INS-6 इंजन के मेंटेनेंस वर्क को किया जा रहा है, पर अभी AD की तरफ से इन सभी सिस्टम को आउटसोर्स करने का प्लान किया जा रहा है, क्योंकि आगे चल के जब और एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे और MK या ट्विन इंजन डेकबेस फाइटर जैसे एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट को स्टार्ट किया जाएगा तो AD के पास मेंटेनेंस के लिए बहुत सारे इंजन हो जाएंगे, जिनको टाइम पर डिलीवर करना अकेले AD के लिए पॉसिबल नहीं होने वाला है। और इसी वजह से अभी AD की तरफ से बेंगलोर में मौजूद GTRE की फैसिलिटी में जन इलेक्ट्रिक की एरो इंजन के लिए कम्प्लीट MRO फैसिलिटी को एस्टेब्लिश करने का फैसला किया जा रहा है, जिसके लिए टेंडर को भी फ्लोट किया जा रहा है, जिसमें सिलेक्ट किए गए वेंडर को AD के लिए एरो इंजन की कंप्लीट MRO वर्क को संभालना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले सिलेक्ट किए गए वेंडर को GTRE की इंजन फैसिलिटी में सभी जरूरी सब सिस्टम और इक्विपमेंट को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा और फिर उनको GTRE की तरफ से और AD की तरफ से इंजन को ऑपरेट करने की और मेंटेनेंस को प्रोवाइड करने की ट्रेनिंग दी जाएगी और इसमें ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की तरफ से इशू किए गए गाइडलाइन के मुताबिक इनकी अलग अलग पार्ट को रिमूव करना और रिप्लेस करने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिसके बाद वो आगे चल के इसको अपने आप मेंटेन कर सकेंगे।
अगला अपडेट ड्रोन्स की तरफ से है। वैसे आप सभी जानते होंगे कि आजकल ड्रोन्स का डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है और हमारी ट्राई सर्विस में अलग अलग कैटेगरी की ड्रोन को इंडक्ट किया जा रहा है। पहले इनको सिर्फ सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अभी इनको स्ट्राइक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल अभी हम सर्वेलेंस के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक जितने भी ड्रोन्स और यूएवी हमारी ट्राई सर्विस में शामिल हुए हैं, इसमें सर्वेलेंस के लिए मेनली जो पेलोड मौजूद होते हैं वो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स होते हैं, इंफ्रारेड कैमरा होता है या टीवी कैमरा होता है, और बड़े साइज के ड्रोन्स या यूएवी के अंदर सिंथेटिक एपर्चर रडार का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पहली बार अपनी स्मॉल ड्रोन्स के अंदर भी एक्टिव फेज एरे रडार को इंटीग्रेट करने का फैसला किया जा रहा है, और इसी वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से डीआरडीओ को और हमारी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को ऐसे एक रडार को डेवलप करने के लिए कहा जा रहा है जिसे यूएवी में इंटीग्रेट किया जा सकेगा। अब एक्टिव फेज एरे रडार का एक फायदा यह है कि इसमें रडार के एंटीना को मूव किए बिना ही हम इसमें एमिट होने वाली बीम के डायरेक्शन को इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि मैकेनिकल रडार के मुकाबले फास्ट और स्मूथ ऑपरेशन को प्रोवाइड करता है, और ये जैमिंग से भी बेहतर तरीके से प्रोटेक्टेड होता है। लेकिन ऐसी कोई भी रडार को किसी भी छोटे साइज की ड्रोन से यूएवी में इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल बन जाता है, क्योंकि रडार्स ऑपरेट करने के लिए काफ़ी पावर को कंज्यूम करते हैं, तो ड्रोन्स के पास लिमिटेड पावर सोर्स मौजूद होता है। तो इसी वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए उसी हिसाब से एक रडार को डेवलप करना एक रियल चैलेंज बनने वाला है, जो कि साइज में छोटा और कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ बेहतर ट्रैकिंग कैपेबिलिटी को प्रोवाइड करे और साथ ही कम पावर को कंज्यूम करे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।